नगर निगम चुनावों को लेकर कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन सीट आरक्षित होने की वजह से कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया। लिहाजा उन्होंने अब अपनी धर्म पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, नरेला विधानसभा क्षेत्र की बांकनेर और बख्तावरपुर सीट को चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, जिस वजह से इन सीट पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सबसे पहले बात बख्तावरपुर वार्ड की करें तो यहां से मौजूदा पार्षद सुनीत चौहान इन दिनों अपनी पत्नी रेणु चौहान का जमकर प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी वार्ड से आम आदमी पार्टी के नेता शक्ति सिंह चौहान, जिनके बैनर पोस्टर में अब उनकी पत्नी पाल सिंह चौहान भी दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 5 यानी बांकनेर सीट की करें तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी से लक्ष्मण सिंह की पत्नी मूर्ति देवी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रही है, क्योंकि ऐसी महिला के लिए इस सीट को सुरक्षित किया गया है। नेताओं का अपनी पत्नी के लिए प्रचार करने का मकसद साफ है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले उनके पक्ष में माहौल बनाया जा सके। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों वाले वार्डों में सड़कों पर ऐसे बैनर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जिन पर नेता पतियों के आगे अब उनकी पत्नियों के नाम आ गए हैं। वैसे कौन सी पार्टी अपने किस कार्यकर्ता को टिकट देगी, इसका पता तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही चलेगा, क्योंकि तभी राजनीतिक दल टिकटों का ऐलान करेंगे। दिल्ली से नवदीप टुडे के लिए पिंकी सिंह की रिपोर्ट। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।